गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव फिनिश्ड द लेसन दैट इज डायरेक्शन एंड टाइम्स. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे लेक्चर आई विल अगेन एक्सप्लेन यू दिस लेसन. ओके स्टूडेंट, सो डायरेक्शन, यू नो वेरी वेल देर आर फोर मेन डायरेक्शन. सो विच डायरेक्शन सन राइज, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड ईस्ट. जहाँ से सूरज उगता है वो डायरेक्शन को क्या कहना है? ईस्ट. और दिस डायरेक्शन सन सेट, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेस्ट. यानी कि जहाँ पे सूरज डूबता है वो डायरेक्शन को क्या कहना है? वेस्ट कहना है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी डायरेक्शन कैसे पहचानने हैं? देखो, सो अदर डायरेक्शन हाउ टू आइडेंटिफाई. सूरज उगते सूरज की तरफ आपको क्या करना है? मुंह करके खड़े रहना है, फेस करके. सो उगते सूरज की तरफ जब आप मुंह करते हो तो आगे वाले यानी कि अपने आपके मुंह के सामने जो डायरेक्शन होती है दैट इज अ ईस्ट. गुड. और आपके बैक साइड को जो डायरेक्शन होती है दैट इज अ वेस्ट. और उगते सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहने के बाद आपके राइट साइड को जो डायरेक्शन होगी दैट इज अ साउथ. दैट इज अ साउथ, यस. और आपके लेफ्ट हैंड को डायरेक्शन जो होती है उसको कहते हैं नॉर्थ. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आए? देयर आर फोर मेन डायरेक्शन. कितने डायरेक्शन होते हैं? फोर मेन डायरेक्शन होते हैं. व्हाट इज दिस? यस, दीज आर ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. दीज आर फोर मेन डायरेक्शन. सो देयर आर अदर डायरेक्शन ऑल्सो. और भी आप कुछ डायरेक्शन है. देखो, देयर आर नॉर्थ एंड ईस्ट. देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट. देन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में की जो डायरेक्शन होती है दैट इज अ नॉर्थ वेस्ट. और नॉर्थ वेस्ट साउथ और वेस्ट ईस्ट दैट इज अ फोर सब डायरेक्शन. सो मैंने बताया था कि मॉर्निंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. मॉर्निंग ये डे का क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है. देन नून इज द मिडल ऑफ द डे दैट इज 12 o'clock. देखो, नून मीन्स दोपहर के जब 12 बजते हैं तो वो टाइम होता है नून. सो नून इज अ मिडल ऑफ द डे, यस. एंड आफ्टरनून इज द पार्ट एट द डे बिटवीन नून एंड इवनिंग. मीन्स दोपहर के 12 बजे के बाद और इवनिंग यानी कि शाम होने के पहले का टाइम जो होता है दैट इज अ आफ्टरनून. सो इवनिंग इज द लेट आफ्टरनून एंड अर्ली नाइट टाइम. देखो, इवनिंग क्या होता है? लेट आफ्टरनून यानी कि दोपहर होने के बाद और अंधेरा होने के पहले का टाइम दैट इज अ इवनिंग, यस. सो एंड नाइट इज द टाइम बिटवीन सेटिंग एंड राइजिंग सन. नाइट कब होती है? सनसेट होने के बाद और सन राइज होने का पहले, यानी कि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने का टाइम, उगने के पहले का टाइम दैट इज अ नाइट. ओके, मैंने आपको जैसे मैं ये सिखाया था. सो आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, सो नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 72. नाउ वी आर कंप्लीटिंग क्वेश्चन आंसर्स. नाउ हैव यू ओपन इट? पेज नंबर 72. रीड विथ मी. आंसर. Answer the following question. In which direction does the sun rise every day? Yes, question is that in which direction sun rise every day? So tell me, कौन से direction से sun rise होता है? यस, सूरज कौन से डायरेक्शन से उगता है? वेरी गुड, ईस्ट. द सन राइजेस
in the east direction. The sun rises in the east direction every day. यानी कि हर रोज सूरज कहाँ से उगता है? Yes, east direction. So once again read with me. In which direction the sun rises every day? The sun rises in the east direction every day. Okay. Next question is that, in which direction does the sun set every day? Yes. सूरज कौन से डायरेक्शन से डूबता है? Yes, very good. The sun sets in the west direction. West. The sun sets in the west direction. Which direction? West direction. Okay. So सूरज कहाँ से डूबता है? West direction. The sun sets in the west direction. Read the next question. Name the four main direction का नाम बताओ. Yes, east, west, north, south. These are four main directions. Okay, once again read with me. Name the four main directions. East, west, north, south. On which side of you is north? If you are facing the rising sun. Yes. Dekho, what is the meaning of this question? In which side of you is north? आपके कौन से साइड को नॉर्थ है? If you are facing the rising sun, अगर आप उगते सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहते हो तो आपके कौन से साइड को नॉर्थ है? Yes, tell me. देखो, आप उगते सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रह जाओ. Yes, और आपके कौन से साइड को नॉर्थ डायरेक्शन है? Yes, left side. On left side is north. Okay, students. So next question is, match the following: morning, noon, afternoon, evening and night. देखो अभी, middle of the day. What is the middle of the day? Yes, noon. Noon is the middle of the day. So match this pair. Between the setting and rising sun. What is the time that? कि setting and rising sun. सूरज set होने के बाद और उगने का पहले का time. That is a night. Very good. First part of the day. डे का पहला पार्ट कौन सा होता है? यस, वेरी गुड. मॉर्निंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. बिटवीन नून एंड इवनिंग. यस, नून एंड इवनिंग यानी कि नून दोपहर होने के बाद और शाम होने के पहले का टाइम. दैट इज अ आफ्टरनून. एंड लेट आफ्टरनून
एंड अर्ली नाइट टाइम, यानी कि अंधेरा होने का पहले का टाइम और दोपहर के बाद का टाइम, दैट इज़ अ इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया क्या? सो टुडे यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो एंड लर्न इट प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, सी यू, हैव अ नाइस डे।